ओके ऑलराइट। सो दिव्यंदु जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब जिस तरह से आपकी ये सीरीज लोगों को जितना बेसब्री से इंतजार था उसी तरह से आई है और एक बार फिर से ये धमाका कर रही है। सो एज एन एक्टर क्या फील करते हैं आप? बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ यार। ये जैसा कि आपने कहा कि जितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उसके बाद आई और लोगों को पसंद आई और इतना अच्छा रिएक्शन है उसका, खुशी डबल हो जाती है उस चीज की कि आपने लोगों को निराश नहीं किया और ऐसा नहीं हुआ कि उनका दिल टूट गया। क्योंकि हालांकि एक आर्टिस्ट का कभी भी ये मकसद नहीं होता है चीज बनाने में कि मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जो लोगों को पसंद आए। वो हमेशा आर्टिस्ट बड़ा सेल्फिश इंसान होता है, अपने लिए काम करता है, वो काम करता है जो करने में उसे मजा आता है। लेकिन अगर उसी पूरे प्रोसेस में उसकी बनाई हुई चीज लोगों को भी पसंद आ जाती है तो और मजेदार वाली बात हो जाती है। तो हम भी कुछ वैसे ही फील कर रहे हैं। जितने हमने भी बहुत शौक से लोगों के लिए ये चीज बनाई और उनको भी इतनी पसंद आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्यंदु जी, अभी राइट नाउ आप, मैं पूछ रहा था कि अभी राइट नाउ आप क्या सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, मुन्ना भैया या दिव्यंदु शर्मा? सिर्फ दिव्येंदु सबसे ज्यादा, क्योंकि वो ही हूं मैं, वो ही चीज मुझे डिस्क्राइब करनी चाहिए एज अ पर्सन। हर प्रोजेक्ट के साथ आपको एक नया नाम मिलना चाहिए, तो आई थिंक जब लोग आपके कैरेक्टर के नाम से आपको बुलाते हैं तो आई थिंक वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी एक्टर के लिए। बट हूं मैं हाँ दिव्येंदु ही। मुन्ना एक पार्ट है मेरा जो मैंने प्ले किया, बट हूं तो दिव्येंदु। सबसे खुशी होगी जब वो दिव्येंदु के नाम से ही मुझे जानेंगे। एंड दिव्यंदु जी, हमने सीरीज पार्ट 2 भी देखा, लोगों को बहुत पसंद आ रही है थोड़ा सा, क्योंकि अब सक्सेस भी हो गई है। तो अगर आप अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि ये जो कैरेक्टर है, कई सारे एक्टर जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि देखिए ये जो कैरेक्टर है, ये मुन्ना भैया का कैरेक्टर, आप इसे रियल लाइफ में मत जाइए, तो ऐसा कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, आपकी तरफ से? हाँ यार, मैसेज देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंसेस इतनी शार्प है और इतनी समझदार है कि उन्हें चीजें समझ आती हैं कि ये एंटरटेनमेंट के लिए एक चीज बनाई जा रही है। और अगर आप सच में एक किसी चीज से सीखेंगे, ऐसे नहीं कि जो पसंद आया वो बस ले लिया, जो पसंद नहीं आया वो नहीं लिया। अगर आप पूरा इस चीज को देखेंगे मिर्जापुर को, तो आपको समझ आएगा कि जो लोग गन्स और वायलेंस इन चीजों का यूज करते हैं वो उनकी जो लाइफ है वो कभी भी अच्छी नहीं बीतती है। आपको 2 सेकंड के लिए ये चीज बहुत पावरफुल फील करा सकती है कि आपके हाथ में गन है, लेकिन अगर आपका दिल खाली है ना तो कुछ होने नहीं वाला है। तो बहुत जरूरी है वो भी देखना उसके साथ। जी, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। आप हैं, अली जी हैं, अली फजल जी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, श्वेता जी हैं, रसिका जी हैं, मतलब ऐसे मैं नाम लेते रहूं। तो आप बताइए थोड़ा सा, अगर आप बता दीजिए कि कैसा रहा इन सभी के साथ का एक्सपीरियंस, एंड शूटिंग का थोड़ा सा अगर आप कुछ शेयर कर सके, क्योंकि अब सक्सेस तो हो ही गई है। आई विश कि हमें एक बहुत ही बिग ऐसा सक्सेस पार्टी भी देखने को मिलेगी, लेकिन आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग का? बहुत ही मजेदार। जितने आपने नाम लिए सभी बहुत मंजे हुए कलाकार हैं, तो जब आप ऐसे अपने को एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आपका काम बेहतर बनता है। बहुत अच्छा एक माहौल होता है, हर इंसान अपने कैरेक्टर में डूबा हुआ होता है। तो मुझे तो हर एक के साथ इतना इतना मजा आया कि मतलब बता नहीं सकता मैं। बहुत मुश्किल से ऐसी स्टार कास्ट एक साथ आती है जहां पे आप जिस भी कोने में देखें उसी कोने में आप कहें कि क्या बात है, ये एक्टर भी क्या काम कर रहा है। और शायद इतने सारे लोग होते हैं जब वो साथ मिलके आते हैं एक ही लेवल ऑफ इंटेंशन से, उनके आर्ट और क्राफ्ट की क्वालिटी से, तो एक मिर्जापुर जैसी चीज जन्म लेती है। तो बहुत मेहनत का काम है और उस मेहनत के लिए सही लोगों को लेना बहुत जरूरी है कि कौन क्या काम करेगा। तो आई थिंक मेकर्स को भी इसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है। दिव्यंदु जी, जितना मेरा नॉलेज है, हर एक एक्टर चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर आए, एक ऐसी फिल्म आए, ऐसी सीरीज आए, ऐसी ऐसा उसके लाइफ में कुछ जुड़े जो कि अमर हो जाए।
अब मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो मुन्ना भैया का कैरेक्टर है वो कई सालों तक रहेगा, तो कैसे देखते हैं आप अपने इस सीरीज को, या आपकी लाइफ में ये जो मिर्जापुर आया है इसे कैसे देखते हैं आप? यार एक ब्लेसिंग की तरह देखता हूँ कि इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिली और इतना पसंद आया लोगों को। मैंने एज एन एक्टर एक नई चीज करी जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी था करना। वो प्रोसेस तो मजेदार होता ही है, उसका जब रिजल्ट भी मजेदार हो जाता है तो एज दे कॉल इट, इट्स अ डबल वैमी। मतलब हर एक चीज जितनी भी आप देखें सिर्फ सिर्फ और खुशी दी है मिर्जापुर ने हमें। एज एन एक्टर एक नई पहचान देना कि भाई दिव्येंदु ऐसा भी काम कर सकता है, अगर उसके पास लिक्विड है तो मुन्ना भी है जैसा कि आपने कहा, तो एक वो रेंज आपको देखने को मिलती है। तो ये यही सब चीजें हैं जिनके लिए आप सालों की तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, एंड यू कैन बी जस्ट थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑडियंसेस के इतना प्यार देना, मतलब कि आपका दिल खुशी से भर जाए, बहुत अच्छी बात। दिव्येंदु जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप भी इस बात को जानते हैं, आपका क्या टेक होता है? आप भी मानते हैं कि जहां पर पॉजिटिविटी होती है वहीं पर आसपास निगेटिविटी भी होती है? जब ये सीरीज आई कुछ लोगों ने ऐसी बातें की, अरे इसमें तो बहुत सारी अब्यूज है, बहुत सारी गाली गलौज है, बंद किया जाना चाहिए, ये लोगों को दिखाया नहीं जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें जब सुनते हैं दिव्येंदु जी, तो क्या टेक होता है आपका? कुछ नहीं यार, पता चल जाता है कि जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं ये सच्चे लोग तो नहीं है। ये किसी कारणवश ये चीजें बोल रहे हैं तो आपको इंटेंशन सूंघने में आ जाती है कि ये किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारी ऑडियंसेस इतनी समझदार है कि वो जानती है उसको क्या करना है। अगर एक इंसान इस देश की सरकार चुनने में वोट डाल सकता है और उसे ले सकता है, तो क्या उसे ये नहीं पता उसे क्या देखना है, किस चीज से क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है? तो फिर तो शायद वोटिंग राइट्स भी नहीं होने चाहिए इंसानों के पास, वो बहुत बड़ी बात है। तो और ये जो एक हिपोक्रेसी है हमारी सोसाइटी में, जो कि ऐसे कहते हैं कि भाई किसी फलानी चीज में गालियां हैं या वो हैं, भैया पहले तो अपने को ये पूछना है कि क्या आपकी सोसाइटी में ये चीजें नहीं है क्या? ये जो फिल्म है या चीज है ये आपकी सोसाइटी से ही निकली है ना, वहीं के लोगों ने बनाई है, और ऐसा तो है नहीं ये चीजें होती नहीं है। तो बजाय इसके कि इन चीजों से आप भागें, मुंह छुपाएं किसी बहाने को लेकर, अच्छा है इस चीज को फेस करें और देखें कि ये चीज कभी भी आपको एक सही ठिकाने पे नहीं ले जाएगी। तो लर्निंग बहुत बड़ी है। एक सिर्फ अच्छी सीधी सीधी बात अगर आपकी लाइफ में होती रहेगी तो आप कभी भी एक समझदार इंसान नहीं बनेंगे। जब बात ऊपर नीचे होती है, अनकंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस में आप आते हैं, ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पे आपने अपने आप को पहले कभी नहीं पाया है, आप एक मेच्योर इंसान बनते हैं। तो बहुत जरूरी सीख है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने दीदी। एंड पार्ट वन आई थी तो पार्ट टू की बात हो रही थी कि कब आएगा कब आएगा। अब पार्ट टू आया तो हमारे मार्केट में बात हो रही कि पार्ट थ्री भी आएगा, जिस तरह से किया गया है लास्ट में। आप बताइए कि आप कितना मानते हैं कि पार्ट थ्री आना चाहिए, या कब तक आएगी, या क्या कुछ है, अगर आप कुछ अपडेट दे सके? भाई मैं अभी तो देखिए अपडेट ऑनेस्टली पूछा जाए तो नहीं है, क्योंकि अभी तो मतलब मिर्जापुर अभी बस चढ़ा ही है। अभी तो मतलब ऐसा है कि हफ्ता 10 दिन भी पूरे नहीं हुए, तो अभी तो मैं लोगों को कहूंगा कि आगे का मत सोचिए, अभी बस सीजन टू का मजा लीजिए। ये मेकर्स के ऊपर है, अगर हमको लगेगा हमारे पास इस तरीके की कहानी है जो आप लोगों के सामने लानी चाहिए, क्योंकि हम कुछ अधपका और कच्चा सा भी नहीं लाना चाहते ना आपके सामने जिस चीज से एक्सपेक्टेशन हो, तो अगर हमको लगेगा कि हमारे पास कुछ ऐसा नया देने को है डेफिनेटली आएंगे। चलिए, आई विश कि जल्दी पार्ट थ्री भी आए। और मैंने बिच्छू का खेल देखा ट्रेलर, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप ऐसे हुक्म का इक्का जो आप निकाल रहे हैं, ट्रेलर मैंने देखा, ऑसम है, कुछ अगर आप बता सके बिच्छू का। उसके लिए वैसे तो हम अलग से बात कर लेंगे क्योंकि इट्स अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे बात करना शायद वो नहीं होगा, बट थैंक यू सो मच। हाँ जैसा आपने कहा बड़ा अलग और मजेदार चीज है, लेकिन बात करेंगे अलग से उसके बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप और कुछ बता सके, अगर एक कोई ऐसा डायलॉग मिर्जापुर से रिलेटेड, जो
जाते जाते अगर आप कुछ ऐसे बता सके जो पार्ट वन पार्ट टू आपके लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा इस मिर्जापुर के साथ में, आपकी लाइफ में कोई भी सीन्स वो डायलॉग होगा जब मुन्ना सीजन वन के एंड में बोलते हैं कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता को ना समझें, तो मुझे बहुत खूबसूरत लाइन ये लगती है इस कैरेक्टर की। तो डेफिनेटली हमेशा साथ रहेगी ये लाइन, और आई थिंक ये लाइन एक बहुत बड़ा जरिया बनी है लोगों तक मुन्ना के कैरेक्टर को पहुंचाने का, कि सबको ये लगता है कि उनमें योग्यता है, उसको प्रूव करने का सबको मौका मिलना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो सब लोगों में कॉमन है। बाकी तो मुन्ना भैया का स्वैग है ही, वो अपने अलग मस्ती में है तो मजा तो करते ही है हमेशा, बढ़िया है। एंड इसके अलावा अगर आप बता सके कि लॉकडाउन, जस्ट ही अभी हम लॉकडाउन से बाहर निकले हैं विजेंद्र जी, लॉकडाउन कैसा रहा आपने, एंड लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसी एक्टिविटीज जो आपने सीखी हो, नया सीखा आपने कुछ? हाँ, मैंने कुकिंग करना शुरू किया यार, तो मुझे बहुत मजा आया कुकिंग करने में, तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उस प्रोसेस को। आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है, बहुत मजेदार प्रोसेस है वो, फिल्म जैसा बनाने जैसा ही है कि आप सब चीजों का इंग्रेडिएंट कितना क्या होना चाहिए उसका आपको पता होना चाहिए, तभी चीज बढ़िया निकल के आएगी। तो काफी काफी सिमिलैरिटीज हैं कुकिंग में और फिल्म मेकिंग में, तो वो बहुत एंजॉय किया मैंने खाना बनाना। और एक चीज देखा हमने लॉकडाउन में, ओटीटी प्लेटफॉर्म का ग्रोथ जितना बड़ा है दिव्येंदु जी, अगर आपने नोटिस किया होगा, सिनेमा घर महाराष्ट्र में अभी भी बंद है, हालांकि देश में धीरे धीरे खुल रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए जिस तरह से फिल्में, मैं अमेजोन की बात करूं और भी ढेरों सारे प्लेटफॉर्म में जिस तरह से फिल्में आ रही हैं, जिस तरह से मिर्जापुर आई एंड लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं आप, ये जो टाइम चेंज हो रहा है अब कैसे देखते हैं दिव्येंदु जी? मैं बहुत ही सुंदर टाइम है यार ये तो, आर्टिस्ट के लिए बहुत ही सुंदर टाइम है कि आप एक नई नई कहानियां कह सकते हैं, नई नई स्टोरीज कह सकते हैं, लोग इतना उत्साह के साथ उन्हें देख रहे हैं, इतना विश्वास दिखा रहे हैं आपसे, तो अभी तो खूब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है। ये टाइम है जब हमारा सिनेमा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ओटीटी के साथ आपको वीकेंड फिगर्स क्या होंगे, कौन स्टार होगा, कितने पैसे में है, कितने पैसे, ये सब चीजें हट जाती हैं। आप कम पैसे में भी एक कोने में बैठ के अपनी मनचाही चीज बना सकते हैं और उसे इंटरनेट पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, और अगर वो बढ़िया है तो लोग उसको उसको बिल्कुल नोटिस करेंगे। तो मतलब ये बिल्कुल बूंद बूंद करके सागर भरने वाली बात है, हर एक बूंद अच्छी होनी पड़ेगी एक सागर बनने के लिए, लेकिन इसमें अच्छी बात है हर एक बूंद जो बढ़िया होगी उस पर नजर जरूर जाएगी, तो आपका अगर अच्छा काम है तो वो छुपेगा नहीं, लोगों तक बात पहुंच जाती है उसकी, तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज। तो चलिए दिव्येंद्र जी, जाते जाते अपने दर्शकों को, अपने फैंस के लिए जिन्हें आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, मिर्जापुर 2 के बाद तो और भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? थैंक यू सो मच इतना स्पेशल बनाने के लिए इस लम्हे को। लॉकडाउन के चलते हुए बहुत सारी चीजें, लोग उदास भी थे, उतने खुश नहीं थे, बहुत अच्छा लगता है कि मिर्जापुर जैसी एक चीज आई और लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई, तो ऐसा लगता है कि बहुत मजा आया, मेरी लाइफ में बहुत मजा आया उस चीज को लेके, मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। तो अच्छा लगता है कि साल का शुरुआत चाहे उतना अच्छा नहीं हुआ ज्यादातर लोगों के लिए, लेकिन अंत शायद अच्छा होगा, तो एक ऐसी ही होप और आशा के साथ लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू सो मच दिव्येंदु जी हमसे बात करने के लिए एंड अपना ब्यूटीफुल टाइम देने के लिए, एंड आई विश कि हम जल्दी इवेंट पर मिलेंगे और फिर ढेरों सारी बातें करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू, बाय बाय।